नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आज आजादी से लेके आज तक हम लोग ऐसे बाढ़ में इस टूटे फूटे रास्ते में चलते आ रहे हैं। आज तक यहाँ जब तक जिसका जैसा शासन रहा सबसे हम लोग मिले, लेकिन कोई यहाँ तक ध्यान नहीं दिया कि यहाँ मार्ग हो जाए। बहन बेटियों को भेजने के लिए, लाने ले जाने के लिए, लड़कियों की विदाई तक के लिए हम लोग डोली का प्रयोग करते हैं, चारपाई का प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल से बैठा करके कार तक किसी तरह पहुंचाते हैं। ऐसी परिस्थितियों को झेलते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि न हम लोग वोट डालेंगे। अगर हम लोगों की बात सुनी गई ढंग से, हो सकता हो तो विचार किया जाए, अन्यथा पूरे गांव के तरफ से हम लोग यही कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे और न हम लोग वोट डालने जाएंगे। अगर हम लोगों की कोई पीड़ा सुनेगा तब विचार किया जाएगा। और हमारा नाम सुखराम है, ग्राम मगर गाहा, पोस्ट से खुई, थाना गुलौरा, जनपद सिद्धार्थ नगर। पहले तो सर्वप्रथम हम आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस दुखद घड़ी में आप लोग हम लोग का शुभ चिंतक बने। और आज़ादी के 70 साल बीत गए, हमारे गांव में सर्वप्रथम तो सड़क नहीं है। ये पूरे बासी विधानसभा में एक ऐसा गांव है ये कि जहां हमारे यहां दक्षिण नदी है राप्ती और उत्तर बांध है, बीच में ये मगरगाहा गांव है। और बाढ़ में दो दो तीन तीन महीने तक हम लोग डूबे रहते हैं, जलमग्न रहता है, लेकिन कोई नेता अधिकारी कोई हम लोग का खोज खबर नहीं लेता है। और हम लोग के पास जब मरीज हो जाते हैं तो हम लोग चारपाई पे लाद करके 2 किलोमीटर ले जाते हैं, उसके बाद एम्बुलेंस में बैठा करके हम लोग उपचार के लिए ले जाते हैं। हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे है, मगरगाहा हमारा घर है और थाना हमारा गुलहोरा है, जनपद सिद्धार्थ नगर का निवासी हूँ। जब से बीजेपी का या कोई भी शासन हमारे इस क्षेत्र में कार्यभार संभाला, हम लोग सभी प्रतिनिधियों के पास गए, उनसे निवेदन किए कि हमारे गांव को सुविधाएं दी जाए, लेकिन हमारे गांव में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मगरगाहा मेरे विधानसभा में है, ये सही है। और मगरगाहा की स्थिति कुछ ऐसे बनी हुई है शुरू से कि वो राप्ती नदी के तट पर है। बहुत पहले वहाँ पर हम लोग की मांग थी कि बंधा उनके उस नदी के तट पर रुके जाने के लिए। मैं और पहले की अगर बात करूँ तो स्वर्गीय हरीश श्रीवास्तव जी जो मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ से, तो उनके समय में कुछ बोल्डर वोल्डर गिराया गया था। तो उस समय उनका मांग था कि हमको वहाँ से बंधा भी हमारा उसी की सुरक्षा मतलब से हमको बंधा हमारे नदी के बिल्कुल सटे ले जाए, वो संभव नहीं था। बंधा हमने उनके गांव के उत्तर तरफ हमने उसका निर्माण करवाया, जहां उन्होंने अपने खेत न देने की वजह से उसको भी रुकवा दिया। दूसरी बात, बिमहुआ गांव के द्वारा उनका गांव जुटा हुआ है। बिमहुआ गांव एक ऐसा गांव है जहां सड़क बहुत सकरा है, जहां लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया। और उसके बाद जो इन लोगों की जमीन होती है वहां भी कुछ विवाद था जमीन का, तो वो भी अभी ऐसे पड़ा हुआ है, सड़क तो बनी ही। तीसरी बात, वहाँ विद्युत लग चुका है, पहले से ही पूरा विद्युत लग चुका है, विद्युत का उपभोग भी वो लोग कर रहे हैं। उसके बगल में एक गांव है बाले जनवा, उसके दूसरे तरफ गए बाले जनवा से भी वो सड़क जोड़ने के लिए प्रस्ताव कर दिया। और चौथी बात यह है कि समग्र गांव में भी जो सरकार का जो पिछले सरकार का वो था, समग्र गांव में भी चयनित था और इस सरकार में भी जो उसका श्रेणी था उसमें भी हम लोग ने चयनित कर दिया है। रह गया गाँव के अंदर की बात,